हेलो फ्रेंड्स, मैं शडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बातें करने जा रहे हैं विभिन्न पुरस्कारों से संबंधित प्रश्नों के बारे में। ये एक ऐसी पॉइंट है जिसको आप सभी लोग या तो नहीं पढ़ते हो, या तो आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, या तो ये डिटेल आपको बताया नहीं जाता है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा एक बार इस वीडियो को आप ज़रूर से देखें ताकि पुरस्कार से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो वो आप एग्जाम में कर ले जाओ, वो आपसे छूटे ना। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है कि कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है। तो याद रखिए, कालिदास सम्मान जो है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, और ये कला के क्षेत्र में जो है दिया जाता है कालिदास सम्मान। ठीक है, अब देखिए, कालिदास का संबंध खेल से तो है नहीं, शांति से तो है नहीं, चिकित्सा से है नहीं, तो आप ऐसे एलिमिनेट करके भी आप आंसर निकाल सकते हो कि कला से इनका संबंध है, क्योंकि साहित्य और कला यही है तो उसी से संबंधित होंगे। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है। तो याद रखिए, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसको बांटता कौन है, तो इसको बांटता है सी एस आई आर, जिसकी स्थापना हुआ था 1957 में। ठीक है, 1947 में देश आज़ाद हुआ था, ठीक 10 साल बाद सी एस आई आर की स्थापना हुई थी। सी एस आई आर को हिंदी में बोलते हैं भारतीय औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद। ठीक है, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पुरस्कार बांटती है, और किस नाम से बांटा जाता है पुरस्कार, तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। नेक्स्ट है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे। सबसे पहले इस पुरस्कार को किस भारतीय ने जीता था, तो याद रखिए विनोबा भावे जी ने जीता था, और इन्होंने चलाया था भूदान आंदोलन। पता होगा आपको भूदान आंदोलन के बारे में। ठीक है, तो उसके बाद ही इनको मिला था ये पुरस्कार, इनको दिया गया था 1958 में। अच्छा, एक दो बातें और याद रखिएगा दोस्तों, ये जो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये बटता कहाँ से, तो ये फिलीपींस से बटता है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है, पता है ना आप लोगों को फिलीपींस। और ये जो रैमन मैग्सेसे है ये वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है, और इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। एशिया का नोबेल, कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि एशिया का नोबेल किसे कहते हैं, तो याद रखिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। हालांकि जो नोबेल है वो रियली में कहाँ से बांटता है, तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से बांटा जाता है। ठीक है, और वो तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में बांटा जाता है, तो वहाँ पर एक अलग मैटर है, यहाँ पर एक अलग चीज़ें हैं, तो दोनों चीज़ों को आप अलग अलग लेके चलिएगा। सही उत्तर है विनोबा भावे। नेक्स्ट है दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए, द्रोणाचार्य का संबंध किससे है, द्रोणाचार्य जी जो थे ये कौन थे, ये अर्जुन के गुरुजी थे, तो इन्होंने क्या किया था, अर्जुन को शिक्षा दिया था। तो अब देखिए, पहलवानी से इनका संबंध तो होगा नहीं, छात्र सेना के सर्वश्रेष्ठ सैनिक से कोई मतलब नहीं, औषधि से कोई मतलब नहीं, खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु दिया जाता है यह पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए, वहाँ था कि खेल कूद में उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु, प्रशिक्षण मतलब जो प्रशिक्षित करते हैं यानी जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। यहाँ क्या है, यहाँ अलग पूछ रहा आपसे, यहाँ पूछ रहा है कि खेल कूद में उत्कृष्टता हेतु, मतलब जो जैसे द्रोणाचार्य जी को अगर पुरस्कार देना हो तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन अगर उनके शिष्यों को पुरस्कार देना है तो उसको किस नाम से दिया जाएगा, तो उनके शिष्य थे अर्जुन, तो उसी नाम पर अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार, इसको याद रखिएगा और गलती मत करिएगा, कई बार लोग गलत करते हैं, कई बार लोग यहाँ पे टिक कर लेते हैं, अगर ऑप्शन होता राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जबकि सब अलग अलग है, तो याद रखिए इसको लेके चलेगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी यहाँ पे इसलिए ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि वो भी खेल कूद में उत्कृष्टता हेतु दिया जाता है, याद रखिएगा, किस नाम से, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, दो पुरस्कार है, एक अर्जुन पुरस्कार, एक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इन दोनों पुरस्कारों को राष्ट्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा बांटा जाता है, और हर साल जो है अलग अलग खिलाड़ियों को चूज किया जाता है, और उनको एक प्रतिमा प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 5 लाख रुपए अर्जुन पुरस्कार में दिया जाता है, जबकि जो राजीव गांधी खेल रत्न होता है उसमें जो है 7.5 लाख का अमाउंट मिलता है, थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, 2.5 लाख रुपये ज़्यादा मिलता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में, बाकी का संबंध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार के साथ कितनी धनराशि मिलती है, मैंने आपको अभी बताया कि 5 लाख मिलती है, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के साथ 7.5 लाख मिलती है, दोनों को याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, और कई बार जो है ये प्रश्न आ चुका है, तो इसको आप गलत मत करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है। अच्छा, नोबेल के ऊपर दोस्तों मैंने वीडियो बनाया है, 2016 का भी बनाया था, 2017 का भी बनाया था, और 2018 का नोबेल तो अभी आया नहीं है। अक्टूबर माह में घोषणा होती है, दिसंबर माह में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, 10 दिसंबर के दिन। ठीक है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको लेकर चलिएगा ध्यान से। अच्छा, एक बात कर लेते हैं यहाँ पे कि किसको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। देखिए, मदर टेरेसा को तो मिला है, एच जे भाभा, सी वी रमन, आर एन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, उनको भी मिला हुआ है, सी वी रमन को भी मिला है, एच जे भाभा। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि किसको नहीं मिला है, तो याद रखिए एच जे भाभा को ये पुरस्कार नहीं मिला हुआ है, बाकी तीनों लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। अब आप याद कैसे रखोगे, देखो सी वी रमन को मैंने बताया था कि रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और रविन्द्रनाथ टैगोर तो भारत से पहले व्यक्ति थे जिनको गीतांजलि की रचना पर पुरस्कार मिला था 1913 में। ठीक है, मदर टेरेसा जी को भी मिला था 1979 में। ठीक है, तो इन तीनों लोग को मिला है, जे एच जे भाभा को कोई भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, इसलिए इसको याद रखिएगा। कई बार इस तरह के प्रश्न आते हैं। अब देखिए, इस तरह से भी प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। अब ऐसे प्रश्न होते क्या ना कि आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट या बुकलेट में नहीं होते हैं ज़्यादातर, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो हर प्रश्न पर ध्यान देना है, इसलिए मैं इस वीडियो को बनाया ताकि आप सारी चीज़ों को ढंग से समझ सकें। तो आइए मिलान करते हैं, और एग्जाम में आजकल मिलान वाले प्रश्न ज़्यादा दे रहा है, क्योंकि सिंगल अगर आपसे प्रश्न पूछता, अभी पूछ जाता है जैसे भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता, तो एक ही प्रश्न पूछता ना, और मिलान की वजह से चार प्रश्न एक साथ उसके सामने आ गए आपके सामने। अब यहाँ पे आपसे नंबर वही है, एक नंबर, डेढ़ नंबर, दो, जो भी है, दो नंबर तक नंबर तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे प्रश्नों की संख्या कुल चार है। लेकिन अब सोचिए ना, उन चारों को मिला करके इन्होंने क्या बना दिया, कूट बना दिया, और एक ही प्रश्न आपसे पूछ लिया। तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में ज़्यादातर आ रहे हैं। फिलहाल आइए बात करते हैं, भटनागर पुरस्कार मैंने बताया था अभी पीछे आपको, शांति स्वरूप भटनागर पूरा नाम था इसका, और ये CSIR बांटती थी, 1957 में स्थापना हुआ था CSIR की, तो वो बांटती थी, और किसके लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब ये विज्ञान, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विज्ञान। A का 3, अब A का 3 देखिए तीन तीन जगह हमको मिल गया, मतलब चौथा ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। BC राय पुरस्कार, छोड़िए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये तो आप सभी जानते हैं ना, फिल्म के लिए दिया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार, यानी C का 1। अब देखिए C का 1 क्या है, यहाँ पे खाली मिल रहा है। अब देखिए ना, सीधे फीधे हमारा पहला उत्तर सही हो गया। तो अच्छी किस्म के एक दो प्रश्नों को अगर आप सही से चूज कर लोगे ना, तो बाकी का ऑप्शन अपने आप हट जाएगा। ठीक है, हमको क्या पता चलेगा, B का 2 है, BC राय पुरस्कार औषधि के क्षेत्र में, और गंधर्व पुरस्कार जो D है इसका है 4, शास्त्रीय कला के क्षेत्र में। तो गंधर्व वैसे भी संबंधित है शास्त्रीय कला से, तो बस हो गया सेट हमारा, यानी ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित नामों पर विचार करिए, आर्क बिशप डेसमंड टूटू, लेक वालेसा, सिमोन पेरेज, यासिर आराफात। ठीक है, इसमें से करा, निम्न में से किसे नोबेल का शांति पुरस्कार जीता है, आपको बताना है किसने जीता है। याद रखिए इन चारों लोगों ने जीता है नोबेल का शांति पुरस्कार। अच्छा, शांति का जो पुरस्कार है नोबेल वाला ना, ये जो है स्टॉकहोम से न बट के ये नार्वे देश के द्वारा बांटा जाता है, स्पेशली किसके द्वारा बांटा जाता है, नार्वे। नार्वे की राजधानी दोस्तों ओस्लो, नार्वे की राजधानी है ओस्लो। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में पूछता है, लोगों को लगता है कि पूरा का पूरा नोबेल एक ही जगह से बंटता है, नहीं, चार एक साथ बंटते हैं, और ये जो पांचवा है शांति का नोबेल पुरस्कार, ये जो है ओस्लो से बांटा जाता है, नार्वे देश इसको बांटता है अपनी राजधानी से। ठीक है, और इन चारों लोगों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिक नहीं था। देखिए, अब यहाँ तो जितने लोगों का नाम दिया है सब लोग जो है भारतीय ही हैं, और सभी लोग यहाँ के हैं, तो हमसे ये पूछ रहा है कि कौन भारतीय नागरिक नहीं था, केवल आप हमको ये बता दीजिए। तो कई लोग गलती से क्या करेंगे ना, मदर टेरेसा को टिक करेंगे, क्योंकि मदर टेरेसा सबको पता है कि भारतीय नहीं थी, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मदर टेरेसा भारतीय थी, जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हैं, जिन्होंने चंद्रशेखर सीमा की खोज किया है। मैं आपको जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा चंद्रशेखर सीमा के बारे में। 1.44 mm द्रव्यमान से अगर कोई तारा बड़ा होता है तो उसमें सुपरनोवा विस्फोट होता है, और उसके बाद विस्फोट के बाद अलग अलग काम होते हैं, तो वहाँ बताऊँगा आपको चंद्रशेखर सीमा के बारे में। ठीक है, तो देखिए वो चंद्रशेखर, दो लोग थे चंद्रशेखर नाम से, एक चंद्रशेखर थे अलग से, एक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको जो 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला था। फिलहाल तो दोनों लोग अलग अलग चंद्रशेखर हैं, उनके बारे में डिटेल से आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी आप इस बात को याद रखिए कि ये जो चंद्रशेखर सुब्रमण्यम थे ये अमेरिकी थे, इनकी जो मूल भारतीय मूल के तो थे, लेकिन ये कहाँ के थे, नागरिकता उनकी अमेरिकी थी।
इसको याद रखिएगा। इसलिए कभी गलती से आप मदर टेरेसा को मत टिक करिएगा, ये जानबूझकर इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है ताकि आप गलती करें, ठीक है। किस कृषि वैज्ञानिक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कृषि वैज्ञानिक का नाम पूछ रहा है जिसको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था, और ये आपको बताना है। तो नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है वर्ल्ड वाइड, और अगर हम भारत की बात करेंगे तो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है हरित क्रांति का जनक, ठीक है। तो नॉर्मन बोरलॉग को जो है नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था, और कब दिया गया था? 1970 में दिया गया था, 1970 में। अरे 1966 से 67 के दौरान हमारे देश में हरित क्रांति शुरू ही हुई थी, ठीक है। उसी समय जो फेमस हुए थे, 1970 में आगे चल के इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। महिलाओं को स्त्री शक्ति पुरस्कार निम्नांकित के लिए दिया जाता है, बताना है आपको किन किन चीज़ों के लिए दिया जाता है। एथलेटिक्स में उनकी विशिष्टता के लिए, खेलकूद में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए, महिलाओं की बेहतरी के लिए, उनके साहस और पराक्रम के लिए, राष्ट्र तथा जनता के लिए उनका योगदान, किस चीज़ के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। याद रखिए स्त्री शक्ति जो पुरस्कार, इसका संबंध कतई खेल से तो नहीं है। स्त्री शक्ति पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है, इसलिए दो ऑप्शन आपके ऊपर से गलत हो जाएंगे। महिलाओं की बेहतरी के लिए, साहस एवं पराक्रम के लिए, राष्ट्र एवं जनता में उनका योगदान के लिए, इसलिए दिया जाता है स्त्री शक्ति पुरस्कार, ठीक है। यानी ऑप्शन 3 और 4 जो है वो बिल्कुल सही है। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? पद्मश्री पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री का नाम पूछ रहा है। नरगिस दत्त पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी, ये कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, इसको याद रखिएगा, नरगिस दत्त। और ये पुरस्कार मिला था उनको 1958 में, ठीक है। CSIR की स्थापना 1957 में, तो बार बार ऐसे कोरिलेट करो, याद रहेगा चीज़ें। नरगिस दत्त याद रहेगा ना। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न का सम्मान प्रदान नहीं किया गया? भारत रत्न जो है ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है, जो किसी व्यक्ति को दिया जाता है, याद रखिएगा, सिविलियन को भारत रत्न पुरस्कार। तो कह रहा है कि इसमें से किसे नहीं दिया गया। जब नहीं वाला प्रश्न आता है ना, ये अपने आप में बड़ा टिपिकल होता है यार। तो फिलहाल देखते हैं, उस्ताद बिस्मिल्ला खां इनको दिया गया है, सत्यजीत रे, लता मंगेशकर, राज कपूर जो एक्टर हैं इनको ये पुरस्कार नहीं दिया गया है, याद रखिएगा, राज कपूर को ये पुरस्कार नहीं दिया गया। बाकी ऊपर के जो तीन लोग हैं, इन तीनों लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था। उस्ताद बिस्मिल्ला खां और लता मंगेशकर, इन दोनों लोगों को एक साथ पुरस्कार दिया गया था, सन 2001 में, ठीक है, 2001 में ऐसे होगा ना। और सत्यजीत रे इनको 1992 में दिया गया था, ठीक है। और राज कपूर को इस तरह का कोई पुरस्कार नहीं दिया गया, हालांकि 2014 में मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखिएगा इन सारी चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? फिर से प्रश्न आ गया। तो लता मंगेशकर भी हमने देखा कि 2001 में सम्मानित थी, ये बिल्कुल सही है। उस्ताद बिस्मिल्ला खां ये भी 2001 में सम्मानित थे, ये दो सही हो गया। अब बचा पंडित जसराज और पंडित रविशंकर के बारे में। तो पंडित जसराज को भारत रत्न नहीं मिला है, पंडित रविशंकर तो बहुत फेमस हैं, 1999 में इनको भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, तब 1999 में। तो अगर आप एक बार प्रश्नों को देखे रहेंगे ना, देखिए मेन अगर चीज़ें आपको याद रहेंगी ना, तो आपको एग्ज़ाम में थोड़ा सा हिंट मिलेगा, थोड़ी सी चीज़ें प्रिपेयर होती हैं तो याद हो जाता है, आ जाता है याद। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला साहित्यकार कौन थी? तो याद रखिए आशा पूड़ा देवी, ज्ञानपीठ की बात कर रहा है और पहली महिला, ठीक है, तो आशा पूड़ा देवी याद रखिएगा। ये बंगला लेखक थी, बंगला भाषा में जो है, मतलब बंगाल की थी, और ये बंगला भाषा में जो है अपनी रचनाएं करती थी, और ये पुरस्कार उनको 1976 में दिया गया था, ठीक है। अच्छा कई बार ये भी पूछ देता है किस कृति के लिए दिया गया था, तो प्रथम प्रतिश्रुति के लिए पुरस्कार उनको दिया गया था। निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? देखिए एक तो हमारे यहाँ का सबसे सर्वोच्च सम्मान ऊपर से दिया किसको जा रहा है, किसी पाकिस्तानी नागरिक को। तो काफ़ी पहले ऐसा हुआ था, 1987 की बात है, खान अब्दुल गफ्फार खां को यह सम्मान दिया गया था। लाल कुर्ती आंदोलन उन्होंने चलाया था और खुदाई खिदमतगार दल के संस्थापक भी थे खान अब्दुल गफ्फार खां, ठीक है। यह सम्मान पाने वाले वे पहले गैर भारतीय नागरिक भी कहे जाते हैं, ठीक है। किस विदेशी को 1990 में भारत रत्न दिया गया, बताना है किस विदेशी को? तो नेल्सन मंडेला ये अफ्रीका से बिलोंग करते थे, दक्षिण अफ्रीका से, और वहाँ गोरी सरकार के विरुद्ध गांधीवादी मूल्यों के आधार पर आंदोलन उन्होंने चलाया था, और जिससे जो जातिवाद आंदोलन है वो
सॉरी जो जातिवाद है वो ख़त्म हो सके, द्वेष जो है वो समाप्त हो सके, और इसके लिए भारत ने उनको 1990 में जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। याद रहेगा आपको, चलिए याद रखिएगा। देखिए 87 में किसको मिला था, खान अब्दुल गफ्फार खां को, और 90 में किसको मिला था, आपके नेल्सन मंडेला जी को। निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है, तो अब तो हमको पता ही चल जाएगा, नेल्सन मंडेला, ठीक है। और कब, फिर से मैं आपको याद दिलाता चलूँगा, कई बार याद दिलाऊँगा तो इससे आपका क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1990। भारत रत्न किसे प्रदान किया गया है, अमजद अली खां, डॉक्टर कुरियन, रविशंकर, डॉक्टर सर्वपल्ली गोपाल। देखिए जानबूझकर राधा कृष्णन, कई लोग देख लेंगे राधा कृष्णन होता तो यार सबसे पहले उन्हीं को दिया गया था, तो ये गलत हो जाता, वो सही हो जाता, और यहाँ पे ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। डॉक्टर कुरियन, वर्गीज कुरियन की बात कर रहे हैं, और वर्गीज कुरियन जी जो हैं ये श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं, वर्गीज कुरियन, इनको भी ये पुरस्कार नहीं मिला है। बचे कौन, बचे रविशंकर जी और अमजद अली खां। तो याद रखिए अमजद अली खां को नहीं मिला, और पंडित रविशंकर को यह पुरस्कार मिल चुका है। मैंने पीछे आपको बताया था जब पंडित जसराज और रविशंकर की बात मैंने बताया, जसराज को नहीं मिला था, रविशंकर को मिला था, और मैंने बताया था 1999 में रविशंकर जी को यह पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। चलिए प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया और किसे दिया गया, तो याद रखिए ये भारत का पहली बात तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और सबसे पहले इसकी स्थापना जो हुई थी ये 2 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई थी, कब, 1954 को, और उसी समय से ये बांटा जा रहा है। और सबसे पहले दिया किसको गया, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति थे ये। और सी राजगोपालाचारी जो आखिरी में कौन थे, गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती गोपालाचारी और सी वी रमन, इनको दिया गया था, ठीक है। चलिए अब तक कुल 45 व्यक्तियों को पुरस्कार प्राप्त हो चुका था पिछले साल तक, वो मैटर नहीं करता, आप ध्यान दीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी को मरणोपरांत मिला था, मदन मोहन मालवीय जी को भी मरणोपरांत, सॉरी अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला था मरणोपरांत, मिला था मदन मोहन मालवीय जी को 2015 में मिला था। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो कि सर्वप्रथम किस वर्ष में किस व्यक्ति को प्रदान किया गया। अब देखिए 1954 में स्थापना हुआ तो 48 में सी वी रमन को दिया जाएगा क्या, वो सरासर गलत है, 52 में, 53 में। अब देखिए अगर जो भी कॉमन सेंस लगाएगा कि जब 2 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई तो उसके पहले पुरस्कार कैसे बांटा जा सकता है, बिल्कुल गलत है। सबसे पहला किसको दिया गया, राधा कृष्णन को, फिलहाल उनके साथ सी वी रमन थे, राजगोपालाचारी भी थे, लेकिन कब, 1954 में ही। निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम देश, कौन सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाले थे, तो मैंने बताया आपको राधा कृष्णन जी 1954 में सबसे पहले जो है ये उनको पुरस्कार दिया गया था, भारत रत्न का पुरस्कार। नेक्स्ट है भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन नहीं है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रमन, सॉरी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, लता मंगेशकर, अटल बिहारी वाजपेयी और सत्यजीत रे, इसमें से बताना है कि किसको नहीं मिला है, ठीक है। तो यार इसमें से तो लगभग सभी लोगों को मिला है, ठीक है, इसमें से सभी लोगों को मिला है। याद रखिए एपीजे अब्दुल कलाम जी को 1997 में मिला था, ठीक है, उस समय इनका जो है पोखरण वाला अभियान बड़ा तेज़ी से चल रहा था, राजस्थान के पोखरण में परीक्षण कर रहे थे ये और बड़ा फेमस हुए थे, उसी के दौरान इनको मिला था। और लता मंगेशकर जी को, और आपके लता मंगेशकर जी को, बिस्मिल्ला खान जी को, ये दोनों लोग को एक साथ मिला था सन 2001 में, ये तो पता ही होगा आपको। सत्यजीत रे मैंने पीछे आपको बताया, इनको 1992 में मिला था, और बचे कौन, अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो इनको 2015 में मिला था मदन मोहन मालवीय जी के साथ, ठीक है। तो इन चारों लोगों को मिला हुआ, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न नहीं प्रदान किया गया है, जे आर डी टाटा, आचार्य नयन देव, सी सुब्रमण्यम और सत्यजीत रे, फिर से सत्यजीत रे आया, और मैंने आपको बताया कि 1992 में सत्यजीत रे को मिला था, और 1992 में जे आर डी टाटा को भी मिला हुआ है, टाटा को भी कब मिला है, 1992 में। सी सुब्रमण्यम को 1998 में दिया गया था, 97 में कौन था, ए पी जे अब्दुल कलाम, याद है ना, 97 में ए पी जे अब्दुल कलाम। और आचार्य नयन देव, इनको भारत रत्न नहीं मिला हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं 1992 में जे आर डी टाटा को किस सम्मान से अलंकृत किया गया था, तो भारत रत्न। ब्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, ब्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला, तो याद रखिए चित्रा मुग्दल, ब्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, चित्रा मुग्दल। 2003 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था, बहुत फेमस पुरस्कार है ये ब्यास सम्मान, और पहला है इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ डाला, 2003 में यह दिया गया था, और उनकी रचना का नाम था अवा, आवा, इसी रचना के ऊपर इनको यह सम्मान दिया गया था, पहली महिला थी। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, स्वर्ण कमल पुरस्कार
किस क्षेत्र में दिया जाता है, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है स्वर्ण कमल पुरस्कार। स्वर्ण कमल, रजत कमल, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? बुकर पुरस्कार तो याद रखें वी एस नेपाल जी भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने क्या जीता, बुकर पुरस्कार जीता। और किस चीज़ के लिए मिला था इन्हें, इन ए फ्री स्टेट के लिए 1971 में पुरस्कार मिला था, इन ए फ्री स्टेट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। मैंने आपको पीछे बताया था कि ये स्वीडन के सरकार के द्वारा दिया जाता है, लेकिन अभी आपको ध्यान देना है कि देखिए नॉर्वे सरकार देती है लेकिन शांति का नोबेल खाली देती है, खाली शांति का नोबेल देती है, और स्वीडन सरकार नहीं बांटती है, स्वीडन देश में बांटता है पुरस्कार, और स्वीडिश अकाडमी के द्वारा बांटा जाता है, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल जी की द्वारा बनाई गई उनके नाम पर बनाई गई अकेडमी है स्वीडिश अकाडमी, जो इस पुरस्कार को बांटती है। हालांकि नॉर्वे की संसद और वहाँ की जो संसद है स्वीडन की, ये दोनों संसद ने उसको अधिकृत किया हुआ है इस पुरस्कार को बांटने के लिए, लेकिन गलती देखिए मत करिएगा, स्वीडन सरकार मत करिएगा, क्योंकि इसका जो इनाम दिया जाता है वो सरकार के पैसे से नहीं दिया जाता, वो स्वीडिश अकेडमी देती है। ठीक है, चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दिया जाता है? चक्रधर फेलोशिप शास्त्रीय संगीत के लिए दिया जाता है दोस्तों, चक्रधर फेलोशिप याद रहेगा। और ये आखिर में किसके नाम पर पड़ा, चक्रधर, तो याद रखिए एक राजा थे चक्रधर सिंह, उनका नाम था चक्रधर सिंह, और ये राजा थे रायगढ़ के, कहाँ के थे, रायगढ़ के राजा थे, इन्हीं के नाम पर ये पड़ा। और राजा होने के साथ साथ ये एक अच्छे तबला वादक भी थे, और कई सारी इनकी पुस्तकें भी हैं, और उन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार का नाम रखा गया चक्रधर फेलोशिप, शास्त्रीय संगीत के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए नृत्य के लिए तो दिया नहीं जाएगा, लोक कला साहित्यिक आलोचना कोई मतलब नहीं है, तो जब यार तबला वादक थे तो संगीत में ही तो आएगा तबला वादक। किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? महाराणा प्रताप कैसे थे भाई, साइंस टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं, खेल सामाजिक कार्य कला प्रदर्शन, क्या आप इसमें से कर सकते हो? याद रखिएगा खेल कूद अर्थात खिलाड़ियों को दिया जाता है पुरस्कार, महाराणा प्रताप पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, निम्नांकित भारतीयों में से किसी विशिष्ट ऑस्कर सम्मान प्रदान किया गया था? विशिष्ट ऑस्कर सम्मान ये सत्यजीत रे को दिया गया था 1992 में दोस्तों, भारत रत्न याद है ना, इतने बार याद कराऊंगा आपको, जेआरडी टाटा को भी मिला था और इनको भी। हाँ चलिए, विशिष्ट ऑस्कर सम्मान सत्यजीत रे को मिला हुआ है 1992 में ही। भारतीय सिनेमा से संबंधित त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए, या आपको पहचानना कि कौन सा पॉइंट यहाँ पे गलत है। पहली फुल लेंथ तमिल फीचर फिल्म कीचक वधम, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, कीचक वधम जो थी ये पहली फिल्म थी, ये पहली फिल्म थी कीचक वधक, 1918 में ही रिलीज हुई थी, सोच सकते हैं 1918 में, ठीक है ये रिलीज हुई थी, और ये पहली तमिल साइलेंट फिल्म भी थी, इसके निर्देशक थे आर नटराजा, तो ये ऑप्शन जो है सही है। अच्छा दूसरा कौन सा है, पार्श्व गायन की तकनीक का प्रयोग करने वाली पहली भारतीय फिल्म धूप थी, तो ये भी बिल्कुल सही है, धूप जो पिक्चर थी ना, फिल्म आई थी, इसमें सबसे पहले धूप पिक्चर का नाम था पूरा धूप छांव, ठीक है, और इसको निर्देशन किया था नितिन बोस ने, नितिन बोस याद रहेगा 1935 में फिल्म आई थी, ठीक है, और एक बंगाली फिल्म की रीमेक थी, और इसमें यह काम किया गया है। ऑस्कर के लिए नामांकित पहली फिल्म मुगल ए आजम, ना 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 ना, ऑस्कर के लिए नामित नहीं थी, बस यही गलत कर दिया, ऑस्कर के लिए नामित ये फिल्म नहीं थी। पहली भारतीय सिनेमा स्कोप फिल्म कागज़ के फूल, ये बिल्कुल सही है, सिनेमा स्कोप फिल्म था ये। तो दोस्तों मैं आपसे आज के लिए आपके लिए एक प्रश्न देता हूँ कि उस फिल्म का नाम बताइए जो ऑस्कर जीती हो, भारतीय फिल्म या ऑस्कर के लिए नामित की गई हो, तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, या फिर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पर, ठीक है, नंबर तो आप लोगों को पता ही होगा, तो कर सकते हैं, नहीं पता होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं आपको बोल दूंगा, ठीक है। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सम्मानित व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? देखिए ज्ञानपीठ की बात कर रहा है ये, इस समय ज्ञानपीठ पुरस्कार से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कि किस व्यक्ति को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, बताइए किस व्यक्ति को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन है भगवत राव, फिराक गोरखपुरी, माखनलाल चतुर्वेदी और ज्ञान रंजन, किस व्यक्ति को भारत ये पुरस्कार दिया गया था? याद रखिए फिराक गोरखपुरी, इनकी एक रचना थी गुल ए नगमा, इस पुरस्कार के लिए इनको ये सॉरी इस
इस जो रचना के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था, एक उर्दू शायर थे, बहुत फेमस थे, और 1969 जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उसी समय इनको ये पुरस्कार दिया गया था। निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये तो मैं पीछे आपको बता दिया हूँ, खान अब्दुल गफ्फार खान जी को ये भारत रत्न दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित पत्रकारों में से मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन हैं। तो पहले वाला तो मैंने बोला था कि भूदान आंदोलन चलाया था विनोबा भावे जी ने, उनको मिला था, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि इन चारों लोगों में से कौन है, ठीक है। तो अरुण शौरी को ये पुरस्कार दिया गया था, अरुण शौरी याद रहेगा 1982 में इनको पुरस्कार दिया गया था, बहुत फेमस पत्रकार थे, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर इतना प्रश्न आपने देखा तो थोड़ी बहुत जानकारी आपके पास हुई होगी, और एग्ज़ाम में अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए, तो एक वीडियो इस पर ज़रूरी था इसलिए मैंने बना दिया। इसी तरह से हर पॉइंट्स के ऊपर हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे, और आपके लिए कुछ आवश्यक सूचना है कि अगर आपके वीडियो पे ऐड आता है तो सबसे पहले तो ऐड को पूरा देखा करिए, ऐड को स्किप मत किया करिए, आपसे विनम्र निवेदन है। साथ ही साथ यदि आप किसी विषय की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, पूरी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप स्टडी 91 के प्लेलिस्ट में आकर के अपने मनचाहे सब्जेक्ट को पूरा अच्छे से डिटेल से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सब्जेक्ट प्लेलिस्ट में जो है सीरियल वाइज से लगे हुए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ। हमारे ऐसे भाई बहन जो किसी वजह से नहीं देख पा रहे हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, या उनके पास कोई समस्या है, परेशानी है, तो उनके तक ये वीडियो जाए, तब तो जान लीजिए कि हमारे बनाने का कुछ फ़ायदा मिल रहा है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर से करिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।